इंदौर में बुधवार को दो स्थानों पर भीषण आग लग गई। बाणगंगा क्षेत्र में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, वहीं दूसरी घटना राव स्थित 5 मंजिला होटल पपाया में हुई है। इंदौर उज्जैन रोड पर स्थित सावर रोड प्लास्टिक के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पास में स्थित एक फैक्ट्री भी इसकी चपेट में आ गई। आगजनी की सूचना पर दमकल और बाणगंगा पुलिस मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से कई किलोमीटर दूर से आसमान में काले धुएं का गुब्बारा दिखाई दे रहे थे। वहीं इंदौर शहर के राव स्थित एक होटल में आग लगने की जानकारी भी सामने आई। यहां के पपाया ट्री नामक होटल में आज सुबह अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। होटल में गेस्ट सहित कुल 46 लोग थे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। दोनों जगह फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने के लिए पहुंची, जहां कई आग बुझी। थोड़ी देर बाद होटल के पिछले हिस्से में फिर आग लग गई। इस दौरान इंदौर पुलिस की संवेदनशीलता सामने आई और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए धुएं के बीच से लोगों को पुलिस द्वारा रेस्क्यू किया गया। आग लगने से होटल में हड़कंप मच गया, लोग इधर उधर भागने लगे। फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू कर सभी लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान क्रेन की मदद भी ली गई। लोगों को बाहर निकालने के लिए होटल के कांच खिड़की सहित कुछ जगह तोड़फोड़ करनी पड़ी। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।